देश की हड़ताल खत्म, लोगों ने मनाया जश्न, ढोल ताशे पर नाचे यूनियन के कार्यकर्ता। बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूनियन ने बेस्ट के इंक्रीज के ऑफर को स्वीकार कर लिया। इसके अलावा मुंबई के बेस्ट कर्मचारियों के अन्य मामले की सुनवाई भी की जाएगी। मुंबई में पिछले 9 दिनों से चल रही बेस्ट बसों की हड़ताल बुधवार शाम समाप्त हो गई। बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान बेस्ट बस कर्मचारियों की ओर से यूनियन के वकील ने हड़ताल खत्म करने पर सहमति जताई, साथ ही हाई कोर्ट में एक घंटे का समय मांगा ताकि हड़ताल पर गए सभी कर्मचारियों को इसकी सूचना पहुंचाई जा सके। कोर्ट ने यूनियन को एक घंटे के भीतर का काम लौटने के और बेस्ट की सेवा बहाल करने के निर्देश दिए। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूनियन ने बेस्ट के 10 इंक्रीमेंट के ऑफर को स्वीकार किया। वही हड़ताल खत्म होने की खबर सुनते ही मुंबई बोरीवली मागाठाड़े बस डिपो की सेवा बहाल कर दी गई और बेस्ट डिपो के पास जश्न का माहौल हो गया। बेस्ट यूनियन की तरफ से एनसीपी के शशांक राव के नाम से विजय हो जमकर नारेबाजी की गई और एक दूसरे को बधाई भी देते हुए दिखाई दी। वहीं मागाठाड़े यूनियन बेस्ट सचिव बोरीवली रमेश सराठे ने बताया कि हमारी मांगे हाई कोर्ट ने मान ली है, जिसकी वजह से आज हम सब बैंड बाजे के साथ जश्न मना रहे हैं और बेस्ट द्वारा और भी अच्छी सेवा भविष्य में देने का आश्वासन भी। हम लोग ने हमारे नेता ने जी मांग किए थे कामगार ने, तो हमारे सब पूरी मांग हो गई, इसके हम सब कामगार खुश है। हमारे ये मांगने किए थे कि हमारे बीएससी का विलीनीकरण बीएमसी में होना चाहिए और 2007 में जो भर्ती हुआ वो कामगार को पगार बढ़ना चाहिए जी, और 2016 और 17 का एग्रीमेंट होना चाहिए जी, ये डिमांड किया था वो हमारा पूरा हो गया। हार्दिक स्वागत। अपन मागाठाणे डेपो आमच्या ज्या काय चुक होत्या त्याच्याबद्दल समस्या होत्या त्या आपण चांगल्या जाणून घेतल्या आणि आपण सर्व जगामध्ये इंडियामध्ये सगळ्यांना कानाकोपऱ्यामध्ये ज्या पाठवल्या त्याबद्दल आपलं सर्वप्रथम मी अभिनंदन करतो। आणि जे आमच्या 3 मागण्या होत्या, विलीनीकरण 2007 पासून 7930 ही जी मागणी होती ती मागणी आमच्या शेजाराम साहेबांनी जसात लावून धरलेली होती आणि 2016 जे अग्रीमेंट होतं त्याच्याबद्दल त्यांनी बऱ्याच मागण्या केल्या होत्या, पण सत्ताधारी बीजेपी आणि सेना यांनी कानाडोळा करून त्यांनी कामगारांची 9 दिवसाचं जे आम्ही आला अपेक्षा थंडीमध्ये इकडे घोसल्या आणि जे ऑफिसर आमचे बीएटे क्वार्टर करायला खाली गेले होते त्याबद्दल मी मोठा खेद व्यक्त करतो आणि त्यांचा निषेध करतो। पण कामगार एकजुटांनी कामगार लोकांनी अशी एकजूट दाखवली आणि मुंबईच्या सर्व समस्त प्रवासी आणि त्यांचा यांना जे आमच्याकडून काही हाल झाले असतील ते आम्ही ओन केलेले नाही, हे प्रशासन आणि सत्ताधारी यांनी केलेलं होतं, त्याबद्दल आम्ही सर्व जनतेचा खेद व्यक्त करतो आणि इथून पुढे आम्ही त्यांची सेवा चांगल्या प्रकारे बसवतो हे बोलून मी माझे 2 शब्द जाहीर करतो।